भैया बोलो ना गजब हो गया भैया, बॉलीवुड क्या हो गया, लॉलीवुड टॉलीवुड सब गजब कर रहे हैं, सब मिलके जो है ऐसा बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लेकिन क्या हो क्या, ये जो फिल्म आई है कौन सी, कल की, कल की, इसमें इंडिया भी है और साउथ इंडिया भी है भाई। कमल हसन है, प्रभास है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, तो वो ना इंडिया और साउथ इंडिया मिक्स मतलब इडली डोसा विद चटनी समोसा तो भैया मैंने फिल्म की एडवांस बुकिंग कर ली थी। मैं बहुत एडवांस आदमी फिल्म देखने वाले, कैसे क्या, इसलिए तो एडवांस बुकिंग कर लेता हूँ क्योंकि, और इस फिल्म की तो करनी जरूरी थी क्योंकि मैंने कल की फिल्म आज ही देख ली कल की फिल्म आज ही देख ली तो इतना एडवांस मतलब अगर आप लोगों को एडवांस होना है तो कल की फिल्म आज देख लो। और भाई मुझे लगता है फिल्म जबरदस्त कमाई करेगी। अच्छा, मतलब कैसे, ट्रेंड से पता चल रहा है 600 करोड़ की फिल्म ने आधे से ज्यादा कमाई कर ली है। कैसे, 00 कमा ली है, 6 कमाना बाकी है। कैसे, 600 करोड़ की फिल्म है ना, 00 कमा ली है, सिर्फ 6 कमाना बाकी है। लेकिन मेरा 6 चांस कहता है कि कमा लेगा, कमा लेगा, बिल्कुल क्योंकि फिल्म में कमल है। कमल, कमल हसन, ओह तो फिल्म अच्छा, कमल है तुम्हें तो पता है, कमल है तो मुमकिन है कमल है तो मुमकिन है, मुमकिन है भाई। लेकिन दीपिका पादुकोण को मानना पड़ेगा, नेचुरल एक्टर। लव यू डीपी, लव यू डीपी, लव यू डीपी। कैसे कैसे कैसे, अरे असल जिंदगी में माँ बनने वाली है, है ना, असल जिंदगी फोटो खिंचवा रही है, माँ बनने वाली, राइट, फिल्म में भी, पूरी फिल्म में माँ बनने वाली है। हाँ, जैसे असल जिंदगी में असल ही काम हुआ उसे, नेचुरल एक्टर से कहते हैं, रियल और रियल मिल गया। तो भैया दुनिया चाहे जो भी स्टार दे, मेरी तरफ से 5 स्टार तो इस फिल्म को है ही। 5 स्टार, फाइव स्टार है, अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हसन, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी। हो गए 5 स्टार। तुम पटानी है, मैं दिशाहीन हूँ, जानवर कहीं के, एनिमल कहीं के, एनीवे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म है ये हर किसी को पसंद आने वाली है, जबरदस्त फिल्म होने वाली है कल की जो है, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग इसे देख रहे हैं और क्या क्या कलेक्शन हो रहा है, कहीं 100 करोड़, 200 करोड़ फिल्म इंडिया में तो हर थिएटर में लगी हुई है, तेलुगु में भी ये फिल्म डब होके लगी हुई है, और इसमें बहुत सारे कलाकारों ने गेस्ट अपीयरेंस किया है। कैसे, मतलब जैसे राजा मौली ने भी गेस्ट अपीयरेंस किया है, राम गोपाल वर्मा ने किया है, एनाकोंडा क्या विजय एनाकोंडा ने किया है, और ऐसे बहुत लोगों ने उसमें गेस्ट अपीयरेंस भी कर दिया। तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा कल का, कल का, कल का नहीं, मेरा तो आज का ही प्रोग्राम है कि कल की देख लेता हूँ। हाँ कल की आज ही देख लो क्योंकि कल किसने देखा, कल होना होता होना होगा। और रिपोर्ट का क्या हाल है, मतलब तो कल की फिल्म थिएटर में होना होगा हो सकती है, तुम्हारे नसीब पे। मैं सुना है रिपोर्ट की कमाल का है, बता रहा हूँ मैं इसको, कमाल का रिव्यू मिला है, कमाल का रिव्यू मिला है, क्या बात है, कमाल आर खान का, के आर के तो तुम्हें पता है क्रिटिक्स का एस आर के है ना। तो भैया ये फिल्म जो है कल की जो है, मुझे लगता है कि 6,000 साल पुरानी कहानी है। बच्चन साहब ने कमाल कर दिया, अश्वत्थामा का रोल किया, तो बच्चन साहब को तो मैं वैसे ही प्रणाम करता हूँ, वो बॉलीवुड के सचमुच अश्वत्थामा ही है, अमर है वो, अमर है बच्चन साहब, अमर है, और हमेशा उनके काम से हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। कमल हसन साहब कमाल है, प्रभास का नाम बिल्कुल सही है, मतलब रहता है साउथ में और हिंदी फिल्म की फिल्म करता है प्रभास अरे अपने भाषा की भी तो फिल्म करी लेता है डॉक्टर के, मतलब हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों साथ में है। हाँ हिस्ट्री और मिस्ट्री तो भैया ऐसा है कि ये फिल्म हमने तो देख ली, जबरदस्त एंजॉय कर लिया है ना, इसमें एक्शन है, मार धाड़ है, और एक अलग टाइप की कहानी है जो साउथ के लोगों का स्टाइल होगा करने का। तो भैया अब मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को ना लो तुम हल्की, कसम है तुम्हारे गाल की, रिक्वेस्ट है सुनील पाल की कि जल्दी से जाके देखो फिल्म काल की, काल की, और जो फिल्म देखेगा उसके जीवन में खुशियां लाएंगे, कौन, हाथी घोड़ा पाल, पाल की, जय कन्हैया। धन्यवाद। ऐसा है कि ये फिल्म सब लोग देखेंगे और खासकर बॉलीवुड वाले तो पक्का ही देखेंगे, केवल एक को छोड़ के, कौन, अरे वही अनुराग कश्यप।
काल की फिल्म इसने नहीं देखे क्या कि काल की के साथ उसका अनुभव ठीक नहीं रहा। काल की से वो दूर रहा है, दूर रहेगा और दूर ही रहना चाहिए उसको, क्योंकि भैया वो किंग है, स्मोकिंग है। और इस फिल्म में ना कोई नशा है ना कोई गाली है, हाँ, और ऊपर से थोड़ा बहुत होगा तो अक्षय कुमार आके बोलते क्यों चंदू ये करने में नहीं है, फूफू करने में नहीं है। तो भैया अनुराग कश्यप इस फिल्म को नहीं देखेंगे, बाकी सब देखेंगे, है ना, काल की किल का उल्टा भी बोलते किल का होगा काल की।